महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी है। नाना पटोले ने तेल की कीमतों पर ट्वीट ना करने के लिए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को काले झंडे दिखाने की धमकी दी है। एक तरफ अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो वहीं दूसरी तरफ नाना पटोले की बौखलाहट एक बार फिर से बढ़ गई। दो दिन पहले 18 फरवरी को भी नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय कुमार की शूटिंग रोकने की धमकी दी थी और अब पटोले ने धमकी दी है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय जहां भी दिखाई देंगे वहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन की घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, यानी ये मसला बेहद गंभीर है। कि जब नाना पटोले ने धमकी दी उसके बाद अमिताभ बच्चन की घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। अब एक बार फिर से नाना पटोले ने धमकी दी और ये कह रहे हैं कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जहां जहां जाएंगे वहां पर उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। सभी को बड़ी तकलीफ होती है। मैं अक्षय कुमार के विरोध में नहीं बोला, मैं अमिताभ बच्चन के विरोध में नहीं बोला, उनके करनी के विरोध में बोला। वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो रहते तो लोगों को जो तकलीफ होती है, तकलीफ में लोगों के साथ रहना चाहिए, ये हमारी बात है। अगर वो कागज़ के शेर बन के रहना चाहते तो रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। उन्हें ट्वीट करना चाहिए आज की परिस्थितियों पे। हम उनको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हमने कदम पीछे नहीं किया है। हम अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को उनके पिक्चर जब रिलीज होंगे तो काले झंडे हम दिखाएंगे, जहाँ दिखेंगे वहाँ काले झंडे दिखाएंगे। हम लोकतंत्र के रास्ते से हम चलेंगे, हमें कोई भी, हमें, हम गोडसे वाले नहीं, हम गांधी वाले। शूटिंग बंद नहीं करेंगे। तो सुना आपने, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जिनकी तरफ से दूसरी बार ये धमकी दी गई है और दूसरी बार भी उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी है, ये कहते हुए कि जहां जहां उनकी फिल्म रिलीज होंगी वहां पर हम काले झंडे दिखाएंगे, जहां जहां ये दोनों नजर आएंगे वहां वहां इनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। नाना पटोले ने तेल की कीमतों पर ट्वीट ना करने के लिए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को अभी दो दिन पहले भी धमकी दी थी और ये कहा था कि अब क्यों तेल की कीमतों पर अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन नहीं बोलते हैं, जहां उनकी फिल्म की शूटिंग होगी वहां पर उनकी शूटिंग को रोक दिया जाएगा। और अब एक बार फिर से नाना पटोले ने धमकी देते हुए ये कहा है कि दोनों ही जो एक्टर हैं उन दोनों को काले झंडे दिखाए जाएंगे जहां भी उनकी फिल्म रिलीज होगी या फिर जहां पर भी वो दोनों नजर आते हैं। आपको बता दें, इस बीच जो अहम जानकारी मिल रही है वो ये कि अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है इस धमकी के बाद। लेकिन एक बार फिर से नाना पटोले की बौखलाहट, दूसरी बार फिर धमकी, अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन को ये कहते हुए कि जहां भी उनकी फिल्में रिलीज होंगी या जहां पर भी ये दोनों दिखाई देंगे उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो दो दिन पहले भी 18 फरवरी को नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की शूटिंग रोकने की धमकी दी थी। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जिनकी तरफ से एक बार फिर से खुलेआम ये धमकी दी गई, आप सोचिए और समझिए कि जब नाना पटोले ने धमकी दी उसके बाद अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, यानी मसला बेहद गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नाना पटोले तो रुके नहीं, एक बार फिर से वो धमकी देते हुए नजर आए। सभी को बड़ी तकलीफ होती है। मैं अक्षय कुमार के विरोध में नहीं बोला, मैं अमिताभ बच्चन के विरोध में नहीं बोला, उनके करनी के विरोध में बोला। वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो रहते तो लोगों को जो तकलीफ होती है, तकलीफ में लोगों के साथ रहना चाहिए, ये हमारी बात है। अगर वो कागज़ के शेर बन के रहना चाहते तो रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। उन्हें ट्वीट करना चाहिए आज की परिस्थितियों पर। हम उनको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, हमने कदम पीछे नहीं किया है। हम अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को उनके पिक्चर जब रिलीज होंगे तो काले झंडे हम दिखाएंगे, जहां दिखेंगे वहां काले झंडे दिखाएंगे। हम लोकतंत्र के रास्ते से हम चलेंगे, हमें कोई भी, हमें, हम गोडसे वाले नहीं, हम गांधी वाले। शूटिंग बंद नहीं करेंगे। इस बीच नाना पटोले की धमकी के बाद अमिताभ बच्चन के बंगले की, यानी जलसा की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। नाना पटोले ने जब से अमिताभ का विरोध करने और काले झंडे दिखाने की धमकी दी है तब से अमिताभ की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया, उनके घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
मुंबई कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान के बाद मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर की जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। ये बयान जो है दो दिन पहले आया था, जब नाना पटोले ने ये कहा गया था अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे लोग अगर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बारे में ट्वीट नहीं करते हैं तो उनकी शूटिंग रोक दी जाएगी। इसी को लेके हम खड़े हैं, ये जलसा बंगला है, ये अमिताभ बच्चन जो है यहीं रहते हैं। और कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पे आरपीआई के कुछ लोग आए थे, आरपीआई पार्टी के कुछ लोग आए थे और अमिताभ के सपोर्ट में जो है इन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया था। आंदोलन करने के वक्त ही मुंबई पुलिस को भी बुलाया गया था और मुंबई पुलिस यहाँ आई और इस पूरे घर की जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ जो है मुंबई पुलिस के अधिकारी भी हैं, साथ ही साथ जो है अमिताभ जी की पूरी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो भी यहाँ खड़ी है, तीन लोग यहाँ हैं। अंदर भी जो है घर के अंदर की सिक्योरिटी भी जो है वो काफ़ी जो है तगड़ी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मुंबई पुलिस की वैन भी लगी है जिसमें कम से कम 6-7 जो है वो कांस्टेबल यहाँ बुलाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अगर कुछ होता है तो उस पूरी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस तैनात है यहाँ पे। कुछ ही समय पहले आरपीआई के नेता यहाँ आए थे और अमिताभ के सपोर्ट में जो है उन्होंने आंदोलन किया था और ये भी कहा है कि अगर नाना पटोले की हरकतों में सुधार नहीं आया तो आरपीआई जो है वो ऐसे आंदोलन करती रहेगी और कांग्रेस को सबक सिखाने की पूरी कोशिश करेगी। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी ज्योत्सना लाइव जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा को क्यों बढ़ाया गया, क्या उनकी तरफ से मांग की गई थी या फिर पुलिस ने नाना पटोले की धमकी के मद्देनजर ये कदम उठाया? ये बात है कि नाना पटोले जो है उन्होंने दो दिन पहले बयान दिया था कि जो भी देश में जो भी हो रहा है, पेट्रोल के दाम हो या किसान आंदोलन हो, उसको लेकर जो सेलिब्रिटी है वो ट्वीट नहीं कर रहे। इसको लेकर खासतौर पर उन्होंने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का नाम लिया था कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार इस बात पर ट्वीट कैसे नहीं कर रहे, और अगर वो इस बात पर ट्वीट नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे तो हम उनकी शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे, ऐसा नाना पटोले ने अपने बयान में कहा था। और जिसके बाद जो है एक इशारा दिया था नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को कि आपकी फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र मुंबई में नहीं होगी। इसके बाद रामदास आठवले जो आरबीआई के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुद से ये कहा कि हम अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के सिर्फ उनको सुरक्षा नहीं देंगे, बाकी उनकी जहां भी शूटिंग चलेगी वहां पर हम लोग सुरक्षा देंगे। इसके बाद जो है नाना पटोले खुद ही अपने बयान से मुकरते हुए नजर आए, अपने बयान से थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि उनकी शूटिंग नहीं होने देंगे, बल्कि हम जहां पर उनकी शूटिंग चलेगी वहाँ पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो काले झंडे दिखाएंगे। नाना पटोले खुद ही अपने बयान से थोड़े मुकरते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर अभी आरपीआई के कार्यकर्ता तो साफ कह रहे हैं बाइट में, नाना पटोले तो साफ कह रहे हैं कि हम अपने कदमों से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम जहां जहां उनकी फिल्में रिलीज होगी वहां पर हम काले झंडे दिखाएंगे, जहां वो दोनों दिखाई देंगे हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। बिल्कुल, नाना पटोले अपनी इस बात पे कायम है कि हम लोग जो है उनकी शूटिंग को लेकर हम विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी हिंसक तरीका जो है वो नहीं अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधीवादी विचारधारा से चलेगी और सिर्फ हम काले झंडे दिखाएंगे, जहां पर भी उनकी फिल्म की शूटिंग होगी, जहां पर भी उनकी फिल्म रिलीज होगी वहां पर हम लोग काले झंडे दिखाएंगे, ना कि लेकिन कोई भी हिंसक तरीका। अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा का बढ़ना क्या गंभीरता से ले रही है मुंबई पुलिस नाना पटोले की धमकी को? देखिए, मुंबई पुलिस जो है वो अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार, कुछ सेलिब्रिटीज के घरों पर या उनके लिए खास तौर पर सुरक्षा रहती है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जैसे उनके फैंस हैं वो बहुत आते हैं, लेकिन ये जो बयान आया है उसके बाद राजनीति जो सियासत है वो गर्म हो गई है, सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर आरपीआई की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो वो खुद सुरक्षा लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें नाना पटोले की धमकी के बाद रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के समर्थन में रैली निकाली। उन्होंने अमिताभ के घर के बाहर एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इन दोनों का विरोध करने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुंह तोड़ जवाब देने की चेतावनी भी दी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी देने पर नाना पटोले की निंदा की है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। नाना पटोले जी का अच्छी बात नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राज्य के बन गए हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह की धमकी देना अच्छी बात नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के जो शूटिंग है वो हम होने नहीं देंगे, इसी तरह की धमकी अगर कांग्रेस पार्टी दे रही है तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमिताभ बच्चन जी के साथ, अक्षय कुमार जी के साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ रहेगी, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री मुंबई की बहुत बड़ी इमेज है और इसलिए अमिताभ बच्चन जैसे बिग बी को, जो महान नायक है, ऐसे नायक को इसी तरह की धमकी देना ठीक नहीं है। हर एक आदमी को अपनी भूमिका लेने का अधिकार है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की तैयारी हो रही है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। तो किस तरीके से भारत और अमेरिका का यह 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जमीन पर मुस्तैदी, आसमान से नजर, दुश्मन देशों के हौसले पस्त करने के लिए पूरी तैयारी, और इस तैयारी के बीच भारत और अमेरिका का यह संयुक्त युद्ध अभ्यास, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यह युद्ध अभ्यास चल रहा है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान हैं जो एक साथ ये अभ्यास कर रहे हैं आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने के लिए। भारत और अमेरिका सैन्य अभ्यास की, आइए आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यह अभ्यास किया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक बीकानेर में अपना दम दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग करते ये जाबाज सिपाही, अचूक निशाना जिनका, और इसके अलावा भी तमाम तैयारियों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 16वां संयुक्त अभ्यास है भारत और अमेरिका का, यह संयुक्त युद्ध अभ्यास। इस वक्त आप देख सकते हैं चिनूक, जो कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, भारतीय सेना ने इसको अमेरिका से लिया है, वो अब मैदान जंग में आप देख सकते हैं कि एक टैक्टिकल व्हीकल को उतार रहा है। इस हेलीकॉप्टर की यही खासियत है कि ये भारी से भारी सामान को आसानी से उन सब इलाकों में भेज सकता है। बात करें अगर हम लोग अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था लादेन पर, उस वक्त भी इन हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया था, और ये इस वक्त मैं उस जगह पे जहाँ ऑपरेशन करना है उस जगह पे जो है इस वक्त ये जो जीप है उसको, टैक्टिकल व्हीकल है, उसको यहाँ से उतारा जा रहा है। भारत और अमेरिका लगातार जो है दोनों देशों के बीच एक जो सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये आप रियल तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन के लिए पहले दो हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों को उतारा गया, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, और उसके बाद अब एक टैक्टिकल व्हीकल, इस हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक से इस जगह पे उतारा गया है। चीन और पाकिस्तान की कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने मजबूत रक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत ना सिर्फ अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, बल्कि अमेरिका से ऐसे घातक हथियार भी ले रहा है जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद तक सनसनी मची हुई है। बीकानेर से हमारे रिपोर्टर संदीप बोल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जो भारत और अमेरिका की दोस्ती के साथ दोनों देशों की शक्ति का सबूत पेश कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि यह अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है। भारत की बंदूक से बीजिंग में सनसनी, होगा लाल सेना का एनकाउंटर। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मार्ग क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है सिक्स शॉट। अब सिंह सॉवर से डरना क्यों जरूरी है?
पेंगोंग से पीछे हटती चीन की लाल सेना कभी भी धोखा दे सकती है। चीन की सेना कभी भी संवाद का रास्ता छोड़ सीमा पर संग्राम छेड़ सकती है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए सावधान रहना जरूरी हो जाता है। बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों के खिलाफ रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाना जरूरी हो जाता है। तो इसी के तहत राजस्थान की रेतीली जमीन पर 8 फरवरी से भारत और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। दो ताकतवर देशों की सेनाएं दुश्मन से निपटने की तैयारियों को परख रही हैं। आपको दिखाएंगे भारत और अमेरिका के इस संयुक्त युद्धाभ्यास की एक एक तस्वीर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो बंदूक जिससे चीन और पाकिस्तान की सेना थर थर कांपने लगेगी। इस राइफल से ताबड़तोड़ निकलती गोलियों का शोर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रहा है। इस राइफल का सटीक निशाना चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये कोई आम राइफल नहीं बल्कि ये है सिग सॉवर असॉल्ट राइफल। भारत इस वक्त एक साथ दो फ्रंट में उलझा हुआ है। एक फ्रंट है LAC, एक फ्रंट है LOC। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मार्ग क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है सिक्सॉर। आप ये देख सकते हैं, ये राइफल है, ये हाल ही में जो है प्रोक्योर की गई है। दो लॉट जो है वो आए हैं इसके 72,000 के, यानी कि कुल मिला के 1.5 लाख सिक्सॉर राइफल जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। LAC पर जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार डटी हुई है, इन्हीं वेपन के जरिए जो है वो वहां पे इस वक्त तैनात है। LOC पे भी जो है फॉरवर्ड पोस्ट पे इन वेपन्स को दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 72,000 अमेरिकी सिक्स सॉवर असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा अधिग्रहण काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में सिक्स सॉवर राइफल के लिए 780 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो भारत ने अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत ये असॉल्ट राइफल ली है। अब सिक्स और राइफल का परीक्षण किया जा रहा है। बीकानेर के महाजन फायरफील्ड रेंज में भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ चल रहे युद्धाभ्यास में इन बंदूकों की मारक क्षमता को परख रही है। इस नई असॉल्ट राइफल का निशाना कितना सटीक है इसकी जांच कर रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक गन्स जो है वो ली है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोल्जर जिस गन को लेकर इस वक्त एम लगा के बैठे हैं ये सिक्सॉर राइफल है। ये राइफल जो है भारत ने अमेरिका से ली है। इसकी खास बात यह है कि ये वजन में हल्की है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है, और अमेरिकन गन है ये। 30 राउंड्स इसे जो है इसमें आते हैं, और इसकी मारक क्षमता, इसकी सटीकता की वजह से ये दुनिया के सबसे लीथल वेपन में भी शामिल होता है। फिलहाल भारतीय सेना ने 72,000 गन्स पहले राउंड में मंगवा चुके हैं और दूसरा ऑर्डर जा चुका है, यानी कि 1.5 लाख गन जो है भारतीय सेना में इस वक्त पहुंच जाएगी। और यकीन मानिए LAC से लेकर LOC पर इन्हीं गन के साथ भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। सिक्स और राइफल कितना खतरनाक हथियार है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पानी में, कीचड़ में, रेत में और बर्फ में भी ये राइफल खामोश नहीं होती, बल्कि रफ्तार के साथ इससे निकलती गोलियां दुश्मन का सीना छलनी कर सकती हैं। तो इसकी कुछ खूबियां और हैं जो इस राइफल को दूसरों से अलग करती हैं। सिक्स और राइफल वजन में हल्की होती है, ये 400 मीटर। और इस वक्त एक बड़ी खबर, दिशा रवि पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मंगलवार को जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। टूलकिट केस में आरोपी है दिशा रवि, और दिशा रवि की
पर जो फैसला है वो फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि मंगलवार को जमानत पर होगा फैसला। दिशा रवि की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई, लेकिन जो फैसला है वो फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है और मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। टूलकिट मामले में आरोपी है दिशा रवि, मंगलवार को दिशा रवि की जमानत पर होगा फैसला। टूलकिट केस में आरोपी दिशा रवि की तरफ से याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की गई थी जिस पर कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या जानकारी? जी देखिए गायत्री, आज काफी लंबी सुनवाई चली है पटियाला हाउस कोर्ट में। जो दिशा रवि है उनकी जमानत पर दोनों पक्षों को जो कोर्ट है जज साहब है उन्होंने सुना और उसके बाद जो फैसला है वो मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये दलीलें दी गई कोर्ट में कि ये एक पूरी साजिश थी खालिस्तानी मूवमेंट को किस तरह से आगे बढ़ा जाए और देश विरोधी गतिविधि में किस तरह से ये तमाम लोग शामिल थे जिन्होंने ये टूल किट को क्रिएट किया, उसे एडिट किया, उसके साथ छेड़खानी की और जब उन्हें लगा कि वो लोग फंस सकते हैं तो उसे डिलीट करने की कोशिश की गई। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में जो मोह धालीवाल है उनके नाम का जिक्र किया गया, उनके पूरे रोल को बताया गया। इसके अलावा जो अनीता लाल थी उनके रोल को बताया गया। इसके अलावा पीटर के का भी किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट में लिंक था, ये तमाम चीज़ें रखी गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये रहा गायत्री कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो खुद DCP अनिश रॉय हैं साइबर सेल के, वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रखा। एक बंद लिफाफे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण तस्वीरें कोर्ट को दी हैं और वो तस्वीरें पुलिस ने इसलिए बंद लिफाफे में दी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक है और काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब करने वाली हैं। उसको जज साहब ने वो तमाम चीज़ों को देखा है, वो बंद लिफाफे में कई महत्वपूर्ण जानकारियों का हवाला दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार दिया गया। लेकिन इसके बाद दिशा रवि के वकील जो हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन करना और उसका प्रचार प्रसार करना देश विरोधी कैसे हो सकता है, और जो दिशा रवि हैं उन्होंने इस तरह का कोई भी अपराध नहीं किया है कि उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। ये तक दलील दी गई कि किसानों का ये जो 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली की जो परमिशन थी वो किसान नेताओं के संगठन को दिल्ली पुलिस ने ही दी थी और तमाम लोग दिल्ली के अंदर दाखिल हुए थे, कहीं पर किसी का जाना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस तरह की तमाम दलीलें दी गई, काफ़ी लंबी बहस चली और उसके बाद अब मंगलवार को देखना होगा कि दिशा रवि के मामले में कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान पुलिस की क्या कोशिश रही, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया आनंद? और सबसे बड़ी बात यह कि कब इसकी जो रिमांड है वो खत्म हो रही है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो तमाम चीजें हैं उनको निकलवा लिया जाए। जी देखिए दिशा अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने ही ये कहा था कोर्ट से कि उन्हें अभी रिमांड की जरूरत नहीं है क्योंकि जब निकिता जैकब जब पूछताछ में, शांतनु जब हमारी पूछताछ में शामिल होंगे उसी दौरान हम दिशा रवि की पूछताछ करना चाहते हैं, उसकी रिमांड चाहते हैं ताकि आमने सामने तीनों लोगों को बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। तो फिलहाल न्यायिक हिरासत में दिशा रवि हैं और आज उन्हीं की जमानत पर ये पूरी सुनवाई थी जो काफ़ी लंबी सुनवाई चली है और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने FIR के तमाम कंटेंट पढ़ के सुनाए, सिख फॉर जस्टिस एक प्रतिबंधित संगठन है उसके बारे में बताया, इसके अलावा जो PJF था उसके बारे में बताया गया, लेकिन जज साहब ने पूछा कि क्या ये प्रतिबंधित संगठन है जिस पर दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्रतिबंधित संगठन नहीं है। तो यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी जो दलीलें हैं वो कोर्ट को दी गई और ये बताया गया कि किस तरह से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी और टूल किट के जरिए किस तारीख को ये टूल किट बना था और इसका मकसद क्या था कि किस तरह से देश विरोधी छवि को जो है वो खराब किया जाए, एक अफवाह का जो माहौल है वो देश भर में फैलाया जाए और दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा फैलाई जाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई कि टूल किट के अंदर ये बात का भी जिक्र था कि लाल किला हिंसा में जब ये हिंसा जब भड़के तो पुलिस वहाँ पर बल प्रयोग करे और उसमें अगर किसी की जान जाती है तो उसको प्रोपेगेंडा बना के आगे एक माहौल बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, यानी अब मंगलवार को इस पर फैसला होगा। आनंद, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए, लेकिन इस बीच आपको बता दें मंगलवार को अब जमानत पर फैसला होगा। एक लंबी सुनवाई चली पटियाला हाउस कोर्ट में और उसके बाद दिशा रवि की जमानत पर फैसले को कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया। अब यह फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा।
और इस बीच एक बड़ी खबर नीति आयोग की बैठक से जुड़ी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। केजरीवाल ने कहा कि देश को उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि 70 साल में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर छोटे और मंझोले उद्योगों को तवज्जो दी जाए तो भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी, पिछले 70 साल में हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जिसका खामियाजा आज हमारा देश भुगत रहा है। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकल के ज़्यादा व्यापार और ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और ख़ास तौर से छोटे और मझले इंडस्ट्रीज़ को अगर हम सारी सुविधाएं दें, ज़बरदस्त टैक्स ब्रेक्स दें और वो सारी सहूलियतें दें जिससे कि वो चाइना से भी सस्ता माल हमारे देश के अंदर बना सकें, तो इससे देश में रोज़गार भी पैदा होगा, हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चाइना को दुनिया भर में पीछे छोड़ सकेगा और GDP का भी ग्रोथ होगा। और अब हमारे देश का युवा हमारे देश के अंदर रहकर अपने नए उद्योग और व्यापार शुरू करना चाहता है, तो हम सब सरकार अगर मिल जाएं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और अपने युवाओं को सब सहूलियतें दी जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारा युवा जो है देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत और चीन के बीच LAC विवाद पर मोल्डो में 10वें दौर की बैठक चल रही है। सुबह 10 बजे से भारत और चीन के बीच ये बैठक चल रही है। LAC के पास विवादित वाली जगहों से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि इस बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सेना की तैनाती को हटाने को लेकर चर्चा हो रही है। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से चीन की सेना की पूरी तरह हटने के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक से पहले चीन ने गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बीच चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखा दी है। लद्दाख के पेंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के पीछे हटने के बाद आज मॉल्डो में 10वें दौर की बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन ने कुछ वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की चाल चल दी है। लद्दाख में एक तरफ चीन अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा था, अपने बंकर तोड़वा रहा था, तो दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ साजिश भी रच रहा था, और उसकी ये साजिश चंद घंटों बाद वीडियो के जरिए सामने आ गई। चीन ने वीडियो के जरिए एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। चीन ने जून में गलवान में हुई झड़प के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और वीडियो के सहारे अपने झूठ को साबित करने की कोशिश कर दी। पूरी तरीके से एडिटेड वीडियो था, यानी कि इससे पहले ऐसी क्या कार्रवाई चीन की तरफ से हुई है जिसकी वजह से भारतीय सेना को अग्रेसिव होना पड़ा, ये नहीं दिखाया गया उसमें। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पेंगोंग के जो दोनों छोर यानी नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक की बात करें, साउथ बैंक में जब से भारतीय सेना ने अपने हाइट्स जो हिल थे वहाँ पे जितने भी वहाँ पे अपनी मजबूती तैयार बनाई थी, उसी की वजह से जो है चीन घुटनों पे के बल आया था और उसके बाद बातचीत की मेज पर उतरना पड़ा। अब चूंकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया, तो ऐसे में अब चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश में रहेगा भारत के ऊपर कि उन सब इलाकों में जहाँ पे कि चीन काफ़ी अंदर तक जो है पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो पहुँचा था और उसके बाद अब उनको पीछे जाना है, तो एक बातचीत की मेज पर जो है इस तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है चीन चलाता रहता है। भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन ने इस वीडियो के जरिए ये जताने की कोशिश की है कि 15 जून को गलवान में हिंसा की शुरुआत भारत ने की थी, जबकि सच्चाई से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि चीन के अधिकारियों ने बैठक के लिए बुलाया और फिर उनके सैनिकों ने धोखे से जानलेवा हमला बोल दिया। लेकिन चीन सरकार अब अपने झूठ पर पर्दा डालने में जुटी है। बेपर्दा हुई चीन की धोखेबाजी, पकड़ा गया चीन का सफेद झूठ। चीन लगातार ऐसी चालबाजियां करके दुनिया के सामने खुद को विक्टिम यानी पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ये झूठ खुद ब खुद सामने आ रहा है, क्योंकि ये वही चीन है
जिसने गलवान में उसके सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल नहीं की थी और अब वो अपने 4 सैनिकों के मरने की बात कबूल कर चुका है, जबकि एक रूसी एजेंसी भी इस झड़प में चीन के 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर चुकी है। साफ है कि चीन गलवान पर अब भी झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है कि गलवान के अंदर जब ये कर्नल संतोष बाबू और उसकी टीम के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसके बाद हमारे जो जांबाज फौजी थे उन्होंने इनको ढेर कर दिया, जो सारे लोग थे वहाँ पे, और तकरीबन 100 एक जो है सैनिक इनके मारे गए। अब इन्होंने एक्नॉलेज किया और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है, जो नीतियाँ हैं हमारी वो बिल्कुल सही हैं, जिस हिसाब से हिंदुस्तान की फौज चाइना के खिलाफ खड़ी रही। चीन के नए कबूलनामे के बाद भारत में भी गलवान मामले पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाली विरोधी पार्टियां निशाने पर आ गईं। राहुल गांधी को ज्ञान आना चाहिए, विपक्ष को ज्ञान आना चाहिए कि जो बालाकोट स्ट्राइक पे, जो चाइना पर गलवान घाटी में, अब चाइना मानने लगा है, पूरा देश और दुनिया माना था, अब राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष को आईना दिखाया है, चाइना ने अपनी बात कहकर। भारत और चीन के बीच मोल्डो में 10वें दौर की बैठक से पहले चीन ने ये वीडियो वाला झूठ दुनिया के सामने परोसने की कोशिश की है। पेंगोंग के पास से चीनी सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक है। इस बैठक का मुद्दा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान से सैनिकों की तैनाती हटाना है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी धोखेबाजी की चाल चलते हुए इस बैठक से पहले गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत के सामने पस्त हुआ चीन। दरअसल चीन लद्दाख की सीमा पर तनाव शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। पहले भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने चीन के सैनिकों के हौसले तोड़ दिए और फिर पेंगोंग झील से सैनिकों की वापसी पर चीन की उसके अपने ही देश में आलोचना हो रही है, जिसकी वजह से चीन अपने ही देश में घिरा हुआ है। चीन के लोग सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से जारी तनाव के बाद आखिर सेना पीछे क्यों लौट रही है। ऐसे में चीन ने बचने और अपने ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए ऐसी कायराना चाल चली, लेकिन चीन ये नहीं जानता कि वो चाहे कितनी भी चालें चल ले और कितनी भी कायराना हरकत कर ले, भारतीय सेना के हौसले और जज्बे के आगे उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी।